पूछते रहो बस। आपका नाम क्या है? नॉर्थ चौहान, नॉर्थ चौहान जी। आप सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव में रहते हैं? गांव अब्दुल्लापुर बहेट। गांव अब्दुल्लापुर बहेट, ठीक है। ये आपके हाथ में जो CFC प्लस का डब्बा है, ये आपने आपने कौन कौन से पशुओं को खिलाया? ये हमने एक तो ये है इस पशु को खिला, इसे भी खिला, उसे भी खिला। अच्छा, उसको भी खिलाया है। अच्छा, भैंस को भी खिलाया है? भैंस को भी खिला। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ आपको उसके खिलाने से? इसके खिलाने से एक तो दूध की मात्रा बढ़ी। अच्छा अच्छा और फैट भी बढ़ा। फैट भी बढ़ा? फैट भी बढ़ा। अच्छा, फैट कितना बढ़ गया? फैट बढ़ गया इसका, गाय का फैट आ रहा था 40, इसका 60-55-60 रहेगा। 55-60 हो गया। हाँ, अच्छा। और भैंस का आ था 65, हाँ उसका आएगा 80-85। ये कितने दिन में बढ़ गया आपका? ये 15 दिन, 15 दिन में बढ़ गया। 15-20 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आ गया रिजल्ट। अच्छा, एक रिजल्ट, गाय बिल्कुल छेरा कर रही थी, गोबर बहुत पतला। कौन सी, ये वाली गाय थी वो? ये भी है, वो भी। वो भी, अच्छा, बिल्कुल पतला गोबर करती थी, बिल्कुल पतला गोबर वो वाली गाय जो थी। हाँ। अच्छा, तो ठीक है। अब ये भी गोबर कलटा करने लगी, गोबर बंधा हुआ आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, और अच्छा और क्या कहें, चिच्चड़ बहुत दवाइयाँ खोई हमने, चिच्चड़। हाँ, खून चूसने वाले? खून चूसने वाले। अच्छा, तो ये भी चिच्चड़ भी खत्म हो गए, खत्म हो गया, कोई चिच्चड़ नहीं है अब, कोई चिच्चड़ नहीं, मतलब कोई दवाई नहीं लगाई आपने? नहीं, कोई इसी के खाने से हो गया, CFC प्लस के? इसी के खाने से। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, चिच्चड़ ये भी सब तो खत्म। क्लैपिंग, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए तो। अच्छा, और एक नई बात, क्या क्या नवे दूध नहीं हो रही थी 8-9 महीने से, ये वाली भैंस? ये वाली भैंस। अच्छा, इसके खिलाने के 15 दिन ही बाद, हाँ हाँ नवे दूध, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद नया दूध, जिसको बोलते हैं ग्याबन होना। हाँ, ग्याबन हो। अच्छा, हीट पे आ गई। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और क्या आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप पशुपालकों को? हम तो ये चाहे जिसका भी डंगर कमजोर हो, नए दूध ना आता हो, हाँ फैट कम आ रहा हो, हाँ दूध कम हो रहा हो, वो इसके इस्तेमाल करे। और चिच्चड़ लग रहे हो, चिच्चड़ लग रहे हो या मतलब कोई भी डंगर पतला का गोबर आ रहा हो, पतला गोबर आ रहा है, उसके साथ के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है इसका। ये थोड़ा घुमाना इसको, CFC प्लस का, CFC प्लस। हाँ, ये है CFC प्लस, ये नृत्य चौहान जी ने अपने पशुओं को खिलाया। इनके पास ये देखिए, आपके पास, इनके पास 1, 2, 3 और ये 2 बछड़े हैं, 4 और ये 5, करीब 5 बड़ी पशु हैं इनके पास, गायें और भैंस, और इन्होंने ये CFC प्लस खिलाया है। इस CFC प्लस के अंदर ख़ास बात क्या है, इसके अंदर करीब 33 तरह के विटामिन मिनरल्स हैं और कई तरह की इसके अंदर हर्ब हैं, और इसको खिलाने के बाद कोई भी मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कैल्शियम बंद कर दिया, कैल्शियम को भी देने की जरूरत। अच्छा, आपने कैल्शियम बिल्कुल बंद कर दिया था? बिल्कुल बंद कर दिया, कैल्शियम की जरूरत ही नहीं है, कैल्शियम से ज़्यादा काम कर रहा है, कैल्शियम ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है जी, तो ये पशुओं को स्वास्थ्य भी अच्छा करता है, पाचन क्रिया बढ़िया कर रहा है। कैल्शियम की कन्नी 600-700 रुपये की। हाँ, और ये 650 रुपये का, 650 रुपये का, और चलता भी ज्यादा है, चलता भी 1.5 महीना चलता है एक पशु। हाँ। एक पशु के ऊपर 1.5 महीना चलेगा ये, 50 दिन चलेगा, 50 दिन आराम से चलता दिन है, चलेगा। ठीक है, और वो कैल्शियम कितने दिन चलता है? कैल्शियम की तो कहने वाले 1 महीना भी चलती है, 1 महीने भी नहीं चलती। हाँ। और 650 रुपये की आती हाँ, है, कुछ भी रिजल्ट भी, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। हाँ। इसके अंदर 33 तरह के विटामिन मिनरल्स हैं, अगर आप चाहें तो इसके, मैं इसे क्लोजअप कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हो कि इसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं और किस तरह की हर्ब है जो पशुओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू नूत चौहान जी, आपने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किए, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपको इस प्रोडक्ट CFC प्लस को यूज़ करने से आपके आपके दूध की बढ़ोतरी हुई है, पशु आपका स्वस्थ हुआ है, और अब फैट बढ़ने की वजह से हाँ, आपको रेट भी ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, नूत चौहान जी एक मिल्क कलेक्शन सेंटर चलाते हैं। हाँ, और इनके पास किसान दूध लेके, दूध हमारा 25-26 लग रहा था गाय का, जब 32-33 लग रहा है। अब 32-33, पहले 25-26 का रेट मिल रहा था, अब 32-33 का रेट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी, भैंस का 34-35 मिल रहा था, उसका 50-45। तो नूत चौहान जी आप संतुष्ट हैं इस प्रोडक्ट से? बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हैं। लगा तो आप किसान भाइयों को, पशुपालकों को इसके बारे में बताएंगे? हम तो यही चाहे यही यूज करो, यही यूज करो, मतलब ये सुपर फूड है ये। मार्केट में जितने फूड हैं उसके मुकाबले में सुपर फूड है। हाँ, सुपर, कैल्शियम वैल्शियम कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इसमें किस तरह का केमिकल नहीं है, पता है आपको? कोई, कोई नहीं, सुबह शाम अपना रोटी में दे दो, ना कुछ देने में दिक्कत, ना कुछ देने में दिक्कत। थैंक यू नृत्य चौहान जी, आपने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किए। मेरे को उम्मीद है कि बहुत सारे किसान और पशुपालकों को आपके एक्सपीरियंस से
बहुत कुछ मालूमात पता लगेंगे, और वो भी आपके इस एक्सपीरियंस से इसको यूज करना चाहेंगे। धन्यवाद।